गाइस, अगर आप जानना चाहते हो ग्रामर सीखे बिना ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश कैसे बोले तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा। एक छोटे गांव में एक लड़का रहता था, वो एक घोड़ा खरीदना चाहता था। तो वो जानवरों के मार्केट में गया, वहाँ जाकर उसने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के घोड़े देखे, अलग अलग नस्ल के घोड़े देखे। उन घोड़ों को देखने के बाद उसको एक घोड़ा पसंद आया। वो घोड़े के मालिक के पास गया, पूछा कि अंकल इस घोड़े की उम्र क्या है। तो अंकल ने बताया कि बेटा ये घोड़ा जो है ये एकदम जवान है, 3-4 साल का ही है और काफ़ी दिनों तक अभी जिंदा रहेगा, काफ़ी दिनों तक बहुत मेहनत करेगा, बहुत तेज़ दौड़ता है और बहुत मेहनत करेगा, बहुत काम करेगा। तो उस लड़के को लगा कि हाँ ठीक है, मुझे ये घोड़ा दे दीजिए। और घोड़ा लेने के बाद उसने उसकी कीमत चुका दी और अपने घर आ गया। कुछ ही दिन बाद वो घोड़ा मर गया। अब ये बंदा बहुत दुखी हुआ, दुखी होकर के ये रो रहा था। तो उस वक्त उसके घर एक समझदार इंसान आया, जिसने उसको पूछा कि भाई क्या हो गया, क्यों रो रहा है। तो इसने बताया कि अंकल मैं एक घोड़ा खरीदने गया था कुछ दिन पहले मार्केट में, उसके मालिक ने मुझे बताया कि घोड़ा एकदम जवान है, अच्छी नस्ल का है, बहुत तेज़ दौड़ेगा, बहुत काम करेगा, बहुत दिन तक जिएगा, लेकिन ये घोड़ा तो मर गया, मैंने इसकी कीमत चुकाई है, मैंने इसके लिए बहुत सारा पैसा दिया है। तो वो समझदार इंसान ने उससे कहा कि बेटा जब भी तुम कोई घोड़ा खरीदने जाते हो या कोई जानवर खरीदने जाते हो तो उसके उम्र के बारे में उसके मालिक से नहीं पूछना चाहिए, उसकी उम्र के बारे में उसके मालिक से नहीं पूछना चाहिए, अपने घोड़े का मुँह खोल के पता करना चाहिए, घोड़े के मुँह से पता करना चाहिए कि उसकी उम्र क्या है। उसने कहा कि अंकल मैं कुछ समझा नहीं, घोड़े के मुँह से पता करना चाहिए कैसे। उसने कहा कि जब भी आप किसी जानवर का मुंह खोल कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उस जानवर के दांत अगर बहुत बड़े बड़े हैं, अगर उस जानवर के दांत बहुत बड़े बड़े हैं और उन दांत में बहुत सारे गैप्स हैं तो वो जानवर बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसकी उम्र हो चुकी है और कुछ ही दिन में वो मर जाएगा। और यदि उस घोड़े के दांत, उस जानवर के दांत बहुत छोटे छोटे हैं, उसमें ज़्यादा गैप्स नहीं है, तो वो जानवर अभी जवान है और काफ़ी दिनों तक जिएगा। सो दिस इज़ द वे कि अगर आप घोड़े की उम्र का पता करना चाहते हो, पता लगाना चाहते हो, तो जो सोर्स ऑफ आपका इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से आप जानकारी हासिल कर रहे हो, वो सही होना चाहिए। इस दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी तारीफ करेंगे, आपसे झूठ बोलेंगे, आपसे आपको सही जानकारी नहीं देंगे और आपको झूठ बोल करके वो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, लेकिन आपको ये पता नहीं रहेगा कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। मोस्टली मैंने देखा है कि लोग जानकारी लेना चाहते हैं गूगल से या इंटरनेट से। ऑफ कोर्स गूगल पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गूगल पे सही जानकारी नहीं मिलती। गूगल पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी जानकारी डालते रहते हैं, जैसे मैं अपनी जानकारी गूगल पे डाल रहा हूँ, और कई बार हो सकता है कि वो जानकारी जो लोग अपलोड कर रहे हैं गूगल पे वो गलत भी हो सकती है। तो आपको ये पता करना चाहिए जहाँ से आप इंग्लिश सेंटेंसेस सीख रहे हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यू नीड टू लिसन इंग्लिश, यू नीड टू लिसन डीपली इफ यू वॉन्ट टू बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। बट वन पॉइंट आई वॉन्टेड टू टेल यू, और उस वक्त मैंने आपको ये भी कहा था कि मेरा अगला वीडियो देखिएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि बिना ग्रामर सीखे ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश कैसे बोलते हैं। सो यही वो वीडियो है, आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। गूगल पे बहुत सारे लोग जानकारी डालते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन भेजते हैं और कई बार उनकी जानकारी गलत होती है। सीखने वाला तो ये सोचकर सीख रहा होता है कि मैंने किसी बहुत अनुभवी इंसान से सीखा है, गूगल से सीखा है, गूगल में सब कुछ सही होता है, और वो सीख करके उसको इस्तेमाल करता है और कई बार पता चलता है कि वो जो इंग्लिश बोल रहा है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सो कहीं आप तो इस जाल में नहीं फंस रहे हो। जो भी आप सीख रहे हो आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सही होना चाहिए। आप किसी किताब से पढ़ रहे हो, वो किताब में जो लिखा हुआ है वो भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही रहेगा। मैंने ऐसी बहुत सारी इंग्लिश की किताबें पढ़ी है जिसमें मैंने देखा है ग्रामेटिकली गलत इंग्लिश सेंटेंसेस लिखे होते हैं। समटाइम्स हो सकता है कि वो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो या किसी और प्रकार की गलती हुई हो, किसी और से वो गलती हुई हो। तो इन गलतियों से सावधान रहें। जो भी आप सीख रहे हो, व्हाट एवर यू आर लर्निंग फ्रॉम विच एवर बुक्स यू आर लर्निंग, जो कोई भी किताब आप इस्तेमाल कर रहे हो वो सही है या नहीं है, जो वीडियोस आप देख रहे हो वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है, जो वेबसाइट से आप इंग्लिश सीख रहे हो वो सही है या नहीं है, और स्पेशली जिन टीचर से आप सीख रहे हो, जो भी आपके टीचर्स हैं, कई बार टीचर से भी गलतियाँ होती है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप सही टीचर को चुनें, आप सही टीचर को चुनें जो आपको ग्रामेटिकली सही सेंटेंसेस सिखाए। कई बार मैंने टीचर्स को भी गलत सिखाते हुए सुना है, मैंने देखा है। सो कोई भी टीचर आपका बुरा नहीं चाहता है, दे आर ऑल डूइंग समथिंग वेल, दे आर ऑल ट्राइंग टू गिव देयर बेस्ट, बट समटाइम्स दीज थिंग्स हैपन कि यू गेट द इन्फॉर्मेशन इनकरेक्टली फ्रॉम समवेयर एंड यू यूज इट इनकरेक्टली। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, फॉर बींग एबल टू स्पीक ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश विदाउट लर्निंग लॉट्स ऑफ ग्रामर यू नीड टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। मेक श्योर दैट द सोर्सेज दैट यू हैव बीन यूजिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश मस्ट बी करेक्ट। सो इफ द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग विल बी करेक्ट एंड यू विल बी एबल टू लर्न ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश, यू विल बी एबल टू यूज इट इन योर डे टू डे लाइफ। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम,
My name is Deepak Sharma, father of a cute little son, husband of a caring superwoman, lawyer turned English trainer, director of Inspire the Institute of Youth Development, where I have helped more than 2,000 students from rural as well as urban areas, aged 15 to 35, who were struggling because of their poor communication skills, who were struggling with their jobs, and now they're moving steadily and firmly in their lives. Many of them have got their dream jobs, they are doing well in their lives. Many of them are successful lawyers, doctors, teachers, engineers. Many of them are successful businessmen. And if you want to be the next, if you want to join my English course, my number is given in the description. Please pick up the phone and make a call. I will be there to help you. Thank you very much for watching. Agar aapko video pasand aaya to share karna na bhule. Us insaan ke saath share kijiye jo jisko iski sabse zyada zarurat hai. Thank you very much for watching. Bye for now.